तो MH1 एक्सप्रेस का काफिला आ पहुंचा है पटौदी विधानसभा क्षेत्र में और यहां से विधायक है सत्यप्रकाश जरावता। एक आम आदमी से लेकर विधायक बनने तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया और कैसे जनता की अपेक्षाओं पर वो खरे उतर रहे हैं, या फिर विकास कार्यों में यहां पर कोई स्पीड ब्रेकर है या वो रफ्तार नहीं मिल पाई है, तमाम सवालों का जवाब हम विधायक सत्यप्रकाश जरावता से लेंगे। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले और उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका। धन्यवाद। तो चलिए MH1 एक्सप्रेस की सवारी करते हैं और तमाम सवालों का जवाब आपसे लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आइए। तो चलिए एक बार फिर से MH1 एक्सप्रेस लेकर हम निकले हैं और ये काफिला पहुंचा है पटौदी। जैसा हमने आपको बताया, आज MH1 एक्सप्रेस के इस वक्त सवारी कर रहे हैं पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता। एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं और करते हैं सवालों की बौछार। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी। एक लंबी यात्रा जो है आपने भी तय की है, वो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रवक्ता बनने और उसके बाद तक के सफर में कितनी बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बात विकास कार्यों की भी रफ्तार की, इन सभी सवालों का जवाब हम आपसे लेंगे सत्यप्रकाश जी। एक लंबी दूरी आपने तय की है, अभी तक जो विकास कार्य पटौदी में हुए हैं, जो आपके जरिए हुए हैं, वो क्या कुछ रहे हैं, क्या उपलब्धियां अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो गिनवाएंगे? मेरा राजनीति में आना और पटौदी से चुनाव लड़ना, विधायक बनना, ये मेरा एक विजन के तहत मैं इसमें आया हूँ। मेरा अपना एक टारगेट है, अपने देश के साथ, समाज के साथ, अपने इलाके की सेवा करना। पटौदी बहुत सालों से रिजर्व होने के कारण या दूसरे कारणों से पिछड़ी रही है। तो मेरा पूरा फोकस था कि यहाँ पर शिक्षा और पीने के पानी की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, ताकि दिल्ली और NCR के नज़दीक होने का हमें फ़ायदा मिल सके। ये सिद्रावली गांव है, ये पटौदी विधानसभा का रेवाड़ी से पहला गांव है और इस गांव में घुसते ही अगर हम सबसे कहें तो यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहां पर कॉलेज है लेकिन क्लासेस नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर BCA की क्लासेस शुरू की, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू की और फर्दर क्लासेस की हम यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर पीने के पानी के लिए हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है। आप यहाँ से और आपका टोल नेशनल हाईवे तक के इसका आएगा, KMP आएगा बीच में और KMP से खेड़कीटोला टोल तक, वहाँ तक हम आपको बता दें कि हमने मानेसर नगर निगम पहली बार गांव से मिलकर निगम बना है, जो अपने आप में देश के अंदर एक इतिहास है, ताकि हमारा जो औद्योगिक नगरी है उसको विश्व में पहचान मिले, उसके एक डेवलपमेंट हो। इसके अलावा इस गांव से हमें गुरुग्राम जाने में बहुत ही लंबा समय लगता था, क्योंकि हमारा सब डिवीज़न गुरुग्राम लगता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध की और अब हमारा मानेसर में सब डिवीज़न भी बन गया है और बहुत जल्दी यहाँ पर हम SDM को बैठाने लग जाएंगे और हमारे लोगों को जो रेवेन्यू के और दूसरे काम हैं वो सब मानेसर में होंगे। ये जो बेसिक चीज़ है उसकी तरफ मैंने इस इधर फोकस किया। जब RRTS हमारे यहाँ नीमराणा तक जानी है, ऑर्बिटल KMP के साथ साथ है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड उसके ग्लोबल सिटी में बना रहे हैं, परंतु लंबी दूरी की बसेज के लिए, आसपास के 50 गांवों के लिए पचगावा चौक पर एक आधुनिक बस स्टैंड जिसमें RRTS के लिए स्टेशन भी हो, उसी में ऑर्बिटल रेल के लिए स्टेशन हो और उसी में बसेज के लिए भी हो, तो उसको भी हम HSIDC के द्वारा जगह चिन्हित कर ली गई है, उसको भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कॉलेज के निर्माण की मानेसर में, उस कॉलेज के निर्माण की अब हम आगे बढ़ गए और बहुत जल्दी कॉलेज की बिल्डिंग हम शुरू करा देंगे। यहाँ से हम अब सिद्रावली से आगे हमारा बिलासपुर चौक आता है। बहुत लंबे समय से बिलासपुर चौक के फ्लाईओवर की डिमांड थी, तो फ्लाईओवर के टेंडर हो चुके हैं केंद्र सरकार के द्वारा। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे तो उनसे हमने डिमांड की थी और वो उनके टेंडर कंप्लीट हो गए हैं और वो काम अभी फ्लाईओवर का शुरू हो जाएगा। वहाँ से लेके कुलाना तक बहुत लंबा एरिया पड़ता है, आए दिन जाम रहता है, तो उसका हम जब आगे आपको आएंगे बताएंगे। इन बिटवीन मैं आपको बताऊं कि मेरे कार्यकाल में 10 स्कूल हमने अपग्रेड कराए और जिसमें अभी पीछे जो गए हमारे नाहरपुर, खो, जो ऐसे बड़े बड़े गांव
जिनको हमने स्कूल अपग्रेड कराए हैं, और उन स्कूलों से निश्चित तौर पे हजारों बच्चे जो गरीब और मजदूरों के रहे उनको बड़ा फायदा मिला है। और इसके बाद अगर हम आए तो हमने माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे अनुरोध करके, और हमने वहाँ पर 500 बेड का ESI का हॉस्पिटल माणेसर के अंदर तैयार होना, ताकि हमारे यहाँ जो आसपास के जो लोग रहते हैं, श्रमिक रहते हैं, उनको पूरा फायदा मिले। इसी कड़ी में हमने सरकार से मांग की थी कि पटौदी के अंदर भी एक डिस्पेंसरी बनाई जाए, तो वो डिस्पेंसरी भी पटौदी के अंदर सरकार के द्वारा इस बजट में उसकी घोषणा कर दी गई है। सत्यप्रकाश जी, आपने तमाम विकास कार्यों को गिनाया है, जब से आप विधायक बने, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि जब आप विधायक बने उस दौरान कितनी समस्याएं थी, और अब आप चूंकि विकास कार्यों की रफ्तार भी गिना रहे हैं, क्या आपके भी आपको भी ये महसूस हुआ कि कभी विकास कार्यों में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा, कभी आपने भी ये महसूस किया? देखिए, एक बार मायूसी मुझे आई जब कोरोना का समय हुआ, 2 साल तक हम लोग घर में कैद रहे, और उस समय पूरे देश में मायूसी थी, पूरी दुनिया में ही थी, परंतु जो ही थोड़ी सी राहत मिली तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से यहाँ पर विकास कार्यों की झड़ी लगी। और ऐसे ऐसे विकास कार्य है जो पटौदी विधानसभा क्षेत्र का जो NCR का पार्ट दिल्ली के नज़दीक और गुरुग्राम का जिले का फायदा होने के कारण एक ग्लोबल के स्तर पर एक पहचान बढ़ाने के लिए जो बड़े काम हैं, गांव की गली मोहल्ले से उठकर उन बड़े कामों को मंजूरी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। काम आपने गिनाए, लेकिन समस्याएं कुछ कुछ अभी भी विद्यमान है जो मौजूद है, जिन पर बात होनी चाहिए। सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण बड़ी समस्या है, अगर हम पटौदी की बात करते हैं, अगर हम कमोबेश पूरे गुरुग्राम की बात करते हैं, तो जाम, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी की जो समस्या है ये बनी हुई है, और एक बहुत बड़ी समस्या है अतिक्रमण, आवारा पशु, ये सभी समस्याएं ऐसी हैं जिन पर मैं मानती हूँ या मान सकती हूँ कि काम हो रहा है, लेकिन अभी तक अगर आप कहें कि 100% हो पाया, ऐसा नहीं है, तो अतिक्रमण की समस्या से पटौदी वासियों को कब तक आप मुक्ति दिला पाएंगे? जैसे कि आपने कहा अतिक्रमण, ये एक बड़ी समस्या है और ये राजनीतिक समस्या भी है, और जो राजनीतिक व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है अतिक्रमण हटाने के लिए, उसको भी बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको ध्यान हो पिछले 2 महीने पहले मेरा माणेसर में बहुत भारी विरोध हुआ था, नगर परिषद का, नगर निगम का विरोध हुआ था, उसके पीछे कारण यही था कि कुछ लोगों ने माणेसर की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, और जब मैंने उस कब्जे हटाने की, अतिक्रमण हटाने की बात की, तो उन लोगों ने कहा कि ना हमें नगर निगम चाहिए और ना हमें जरावता चाहिए। उनके पीछे फिर वो लोग इकट्ठे होकर भी गए कमिश्नर के पास कि निगम भंग करे, और जब तक निगम भंग ना हो कोई भी अतिक्रमण ना हटाया जाए। तो उनकी मंशा साफ है कि भाई अतिक्रमण, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय है और मैं अडिग हूँ, जितना भी अतिक्रमण है, जितना भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो, माननीय मुख्यमंत्री ने जब कह दिया 20 साल से ज़्यादा कोई अगर बैठा है और उस जगह की जरूरत हमें नहीं है तो उसको दे देंगे जो भी रेट पे, लेकिन जो पंचायत की रास्ते की जगह है, जहाँ कॉलेज बनना है, जहाँ वाटर बॉडी बननी है, इन सब चीज़ों पर अगर हम करेंगे तो फिर हम ये डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे। इसलिए हमें कई बार कठोर निर्णय उठाने पड़ते हैं, विरोध भी झेलना पड़ता है, तो यही कारण वो रहा जब मेरा बड़ा विरोध लोगों ने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा था। आपकी एक अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि आमतौर पर कई बार जब विरोध भी होता है तो नेता जो है उसको नकार देते हैं कि नहीं नहीं हम सब साथ में, कहीं विरोध नहीं हो रहा, बट आपने उसको स्वीकार किया है, एक अच्छी बात है, साफ गोई है आपकी। और अतिक्रमण पर जहाँ तक संरक्षण की बात है, ये एक बड़ी समस्या रही है और उसके खिलाफ आप काम भी कर रहे हैं। अब ज़रा कुछ सियासी बातें भी हो जाए। सत्यप्रकाश जी, आप जानते हैं कि किसी भी जगह से चुनाव लड़ना, अपनी जगह को बरकरार रखना, तो उसके साथ साथ ना सिर्फ विपक्ष में बल्कि जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी कई बार विरोधी हो जाते हैं। आज के डेट में सत्यप्रकाश जरावता का कोई ऐसा विरोधी है जो पार्टी का हो, जिससे सत्यप्रकाश जरावता को लगता हो कि उनके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल है? मनमुटाव की खबरें आई थी राव साहब के साथ भी, आपकी काफ़ी सुर्खियों में रहीं, कभी बहुत नज़दीकियां रहीं, कभी बड़ी दूरियां बन गई, तो क्या वो दूरियां अब ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, सब ठीक चल रहा है? जहाँ तक बड़े राव साहब, हमारे माननीय
एमपी साहब की बात है, केंद्रीय मंत्री राविंद्र जी वो हमारे नेता हैं, हमारे इलाके के नेता हैं, और परिवार में खटपट होती रहती है, लेकिन वो मेरे लीडर हैं, मेरी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, और उन्होंने इलाके के लिए बड़े काम भी किए हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी पीछे है, एम्स है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, और मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी के डेवलपमेंट में कभी कोई विरोध किया हो। सकता है उनके नाम पर कुछ लोग, विपक्ष के लोग विरोध करते हों, पर वो उनके नाम पे करते हों, लेकिन राव साहब का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, राव साहब कभी भी डेवलपमेंट का विरोध नहीं करते। जी, आपका विरोध नहीं हुआ कभी? जी, मैंने कहा ना, दूरियां खत्म, परिवार है, दूरियां खत्म रहती, लेकिन मेरे सम्माननीय है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और मुझे प्यार से पूछते हैं, मैं भी बड़े प्यार से उनका सम्मान करता हूँ। राजनीतिक कुछ मन में हो तो पता नहीं, लेकिन हमारे नेता है, मैं उनको अपना नेता भी मानता हूँ। प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी मेरे लीडर हैं, और दक्षिण हरियाणा के अंदर हमारे इस क्षेत्र के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारत सरकार में हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे लिए सम्माननीय। दो सवाल, एक तो टोल टैक्स को लेकर सवाल है, सत्य प्रकाश जी समझने की कोशिश करेंगे, जब भी आप गुड़गांव में एंट्री करें या फरीदाबाद में एंट्री करें, मेरे वरिष्ठ जो सहयोगी और जो हमारे कार्यकारी संपादक हैं प्रदीप प्रभाष जी, जब भी बातचीत कर रहे हैं तो ये वो मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की मांग भी है कि किसी शहर में घुसने के लिए बिना उसके एंट्री नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ी मांग है, बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? मानता हूँ कि ये टोल की समस्या बड़ी समस्या है, इसका टेनोर पूरा हो गया, और हमने कहा भी है, पहले मानेसर शिफ्ट हो, इधर शिफ्ट होना था तो हमने मना कर दिया, और इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उस पर जाँच हो रही है, कोई कमी विशी रहेगी तो हम GMDA और निगम से उसकी पेमेंट करके हम उसको हटाने के पक्ष में लगे हुए हैं। परंतु ये कहा जाए तो आज अगर हम 2013 का गुरुग्राम देखें तो आप नेशनल हाईवे राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते थे, लेफ्ट से राइट नहीं जा सकते, और आज आप बेधड़क होके निश्चित होके कि हम आधे घंटे में गुरुग्राम पहुंच जाएंगे, आप जा सकते हैं। चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम में अंडरपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर सारे कितने क्लियर करा दिए हैं, तो एक छोटी चीज़ को कि भाई ये एक रुकावट है, और इतनी सारे जो फ्लाईओवर, अंडरपास वो चीज़ें उनको एक तरफ करना, ये बात वो कहे ना कि ये अन्याय है, इस थोड़ा सा उसको भी सोचना चाहिए कि कितनी सुविधाएं हमें दी गई है, इस पर हम हटाने के लिए लगे हुए हैं, हटाएंगे भी। जी, विपक्ष के भी लोगों से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब बहुत लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मान रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि जो खास या चुने हुए या जहाँ पर जीत उन्हें हासिल हुई है वहाँ के लोगों का विकास हो रहा है, बाकी के लोगों की अनदेखी हो रही है, क्या ऐसा वाकई आप भी महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये आप मेवात से आए हैं, मेवात में 10 साल कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के में कोई एक काम नहीं हुआ वहाँ पर, मेवात कनाल माननीय मनोहर लाल जी ले जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वहाँ एक भी भारतीय जनता पार्टी का MLA नहीं है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में एक समान काम चल रहा है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि अब जैसे पर्दे गए, अगर वो विपक्षी क्या हुआ, अगर वो बीजेपी कहती थी कि पर्ची और खर्ची चलती है, अब बीजेपी के सरकार में तो अटैची चल रही है। मैंने कहा ना, वो विपक्षी क्या हुआ और TV पे सरकार का विरोध ना करे, पर्दे के पीछे सब कहते हैं कि मेरिट पे नौकरी है और मेरिट के आधार पर काम हो रहे हैं। आज कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं नौकरी लगा दूंगा, कोई एक व्यक्ति भी मुझे बता दीजिए पूरे हरियाणा में, और छोड़िए आप डिसरेट की नौकरी के लिए कोई दावा नहीं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दिया, आज से पहले कभी ये सिस्टम था ही नहीं। ये आपको विडंबना नहीं लगती है इस देश की या इस प्रदेश की, कि जिस देश या जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं अभी भी नेता जो है बुनियादी समस्याओं के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं? अगर हम दूसरे देशों की तुलना, ये अलग बात है, अभी आप कहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेश में डंका बज रहा है, लेकिन आपको कभी ये विडंबना नहीं लगती है कि अभी भी हमारे देश में बुनियादी समस्याएं हम झेल रहे हैं, रोटी, कपड़ा, बिजली, पानी, नौकरी, शिक्षा? बात छेड़ दी, मैंने ये चुनाव में अपने गाँव में कह भी दी, और चुनाव के बाद भी तो मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप ऐसे बोलोगे तो आप चुनाव हार जाओगे, वो कोई सच्चाई है जी। भाई आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपना काम करें, गली, नाली, मोहल्ला, पानी, निकासी, ये सब काम किसका है? नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, होता क्या है कि MLA बन गया मैं तेरी गली बना दूंगा,
तेरे मोहल्ले में ट्यूबवेल लगवा दूंगा। ये एमएलए के काम थोड़ी, एमएलए प्रदेश का काम, मुख्य प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, हर व्यक्ति को पीने का पानी, खाने को अन्न कैसे मिले, इसके लिए हम प्रदेश की पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं। परंतु हो क्या गया कि ट्रेंड ये रहा कि एमएलए से गली बनवाओ, एमएलए से पानी लगवाओ, और ये कोई एमएलए कहेगा तो उसके लिए नेगेटिव हो जाता है कि ये एमएलए तो गांव की बात ही नहीं करता। तो जैसा देश वैसा भेष बात करनी पड़ती है, अन्यथा एमएलए का काम है कि अपने प्रदेश को अन्य प्रदेश से कोई भांति आगे कैसे ले जाए, उसमें विधानसभा में बैठ के निर्णय करना होता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत और नगर परिषद, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत डिपार्टमेंट, ये लोग तय करें कि हमने गांव का डेवलपमेंट का प्लान बनाए, ग्राम डेवलपमेंट प्लान बनाए। निकाय के चुनाव की बात कर ले या निगमों के चुनाव की बात कर ले, पंचायत चुनाव के, बीते दिनों देखा कि कई जगहों पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जिसे अगर हम देखा जाए, देखिए जनता जो है, जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों को भी चुनती है, बहुत सोच समझ कर वोट देती है, वो लोकल मुद्दों के आधार पर ही देती है, प्रदेश स्तरीय मुद्दे नहीं देखे जाते हैं। लेकिन लोकल मुद्दों के आधार पर भी बीजेपी का प्रदर्शन सत्यप्रकाश जी उतना बेहतर नहीं रहा जितना होना चाहिए था। क्या फैक्टर आप मान रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी आ रही है लोगों में? आप काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, कई जगहों पर पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे हैं या विधायक काम नहीं कर रहे हैं, उसका ये फैक्टर एक माना, एक अलार्म है ये आप लोगों के लिए बीजेपी के? मैं आपकी बात को सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लोकल चुनाव हुए उन चुनाव में कोई बड़े नेता इन्वॉल्व नहीं हुए। जैसे अभी जिला परिषद में टिकट तो ये जिले के ऊपर छोड़ दिया, ना कोई एमएलए एमपी कोई वोट मांगने जाते। कई जगहों पर जहां पर विधायक मांगने भी गए वोट, वहां पर भी प्रत्याशी हार गए। वो भी जाती है, इसको हम पूरा पैमाना, क्योंकि ये लोकल मुद्दे पर होते हैं, उसका जिक्र कर दिया। हाँ, क्योंकि कई बार कैंडिडेट का चुनाव, देर से चुनाव, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर इसको बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं हो सकते। हम भी अगर जाएंगे तो रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं आप इन्हीं को ही दो, देश की बात है, प्रदेश नहीं भाई, वो तो गांव की बात है। नहीं, लेकिन एक अलार्म के तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं, इसमें नहीं, ये बिल्कुल अलार्म के तौर पे नहीं, वो सारे साथ हैं, जो भी जीत के आए वो भी साथ है, आज वो सभी सरकार में साथ है, सबने मिलकर डेवलपमेंट करना है। और इसमें प्रदेश यूनिट का या माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का कोई वो नहीं रहा, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रही। दूसरा सवाल ये है कि आपने एक सवाल और पूछा था, जी जी, कि विरोधी या कोई आपको प्रत्याशी पार्टी, बड़ी देर बाद आपको ये सवाल मेरा याद है। आपको बात अगर, मेरी आदत है कि जो कुछ पर्सन किया जाए उसका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूं। बिल्कुल, और चाहिए भी यही। मैं राजनीति में कई तरह के लोग होते हैं जो इत्तेफाक से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो भाई राजनीति कर लो। परंतु जहाँ तक मैं अपने बारे में जानता हूँ, आई वॉज ए बैंकर एंड ला ग्रेजुएट फ्रॉम डी यूनिवर्सिटी, और मैं एक बैंक में रहते ला करके राजनीति में एक सोची समझी योजना के तहत आया हूँ कि मैंने डेवलपमेंट कराना है। और उस कड़ी में चलते चलते कभी कुछ मिल जाए, कभी ना मिले, मैं ब्लॉक चेयरमैन भी रहा, बीच में टिकट नहीं मिली, मैंने काम किया फिर भी, फिर अब एमएलए बन गए, आगे पार्टी जो आदेश देगी, जनता जो आदेश देगी, काम कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा वो कहें कि नहीं मैं तो मर गया, मैं तो हाय तोबा, उनमें मैं नहीं हूँ। लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारियां बीजेपी कर रही है, कितनी इन्वॉल्वमेंट आप है, क्योंकि बीजेपी जो है यकीनन बूथ लेवल की पार्टी मानी जाती है, और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां मिली है, चाहे वो पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी हो या अपने स्तर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मतदाताओं को जागरूक करने की तैयारी हो या घर घर जाकर सरकार के कामों को गिनाने की जिम्मेदारी हो। जब आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो आप कितने आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी दोबारा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे अंदर, देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, जिनका संगठन की सूझबूझ, फिर उधर से माननीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर पर इस क्षेत्र को पूरा आशीर्वाद, और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में प्रत्येक बूथ कर पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ तय हो गया। 90% मेरे पटौदी विधानसभा में 3 मंडल है, माणेसर, पटौदी और हेली मंडी, तीनों मंडल में 90% बूथ हमारे यहाँ बन चुके हैं, पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। और कल हम यहाँ पर बड़े स्तर पर अभियान है, बूथ नंबर 136-137 पर मैं खुद झंडा लगाऊंगा, वहाँ पर बैठूंगा 9 बजे, मेरा माणेसर नगर निगम के अंदर है वो। तो कहने का तात्पर्य, संगठनात्मक तौर पर भी हम मजबूत हैं, हमने एजेंडा भी है, डेवलपमेंट हमारा एजेंडा है, काम हम कर रहे हैं,
देश के लिए भी, समाज के लिए भी, इलाके के लिए भी और आम व्यक्ति के लिए भी, और जो हमारी पार्टी की मेन धारणा समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को, हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए हम खुद युद्ध स्तर पर धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का असर देख रहे हैं कुछ लोकसभा चुनाव में, पड़ेगा इसका कोई फर्क? हाँ, पीछे चुनाव में देखा काफी असर पड़ा था, जहाँ जहाँ हो गए वहाँ सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का। तो अगली बार भी यही उम्मीद है आपको? नहीं, कांग्रेस का तो सुपड़ा है ही नहीं है, बची ही नहीं पार्टी। और देखिए, जो भी अपना उनका है वो लोग करें, परंतु आज पूरे देश के अंदर और दुनिया में ही माननीय मोदी जी का लोहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय विप्लव देव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी दिन रात प्रदेश के विकास के लिए काम करने लगे हुए हैं। सत्य प्रकाश जरावता ने एक, आपने कहा कि एक विजन के तहत आप आए, अब ये जो गांव आया है, अभी आपको जहां आप जहां जाएंगे वही काम मिलेगा। आपने देखा मानेसर में, वहां हमें काम, आपको काम मिला, निगम, सब डिवीजन, पचगांव आप आए, हमने बस स्टैंड की बात की, सिद्धरावली आप आए, वहाँ हमने कॉलेज की क्लासेस, बिलासपुर चौक पे आए, वहाँ हमने कहा कि फोर लेन, अब आप आगे उच्चा माजरा, ये लेफ्ट में देखिए स्कूल का बोर्ड लग रहा होगा, सीनियर सेकेंडरी, ये मैट्रिक का था, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हमारे द्वारा, जहाँ आप जाएंगे वहीं हमें काम मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी तो शुरू ही काम हुए हैं, पटौदी के काम अभी गिनने का शुरू है, अभी तो हम पटौदी पहुंचे नहीं, हमें हर एक विधानसभा को बराबर का मौका देना है, वो विपक्ष के आरोप में। नगर परिषद बना है पटौदी में, गवर्नमेंट कॉलेज आया है पटौदी के अंदर, पीने के पानी के लिए तैयारी हो रही है, और पटौदी के 10 गांवों का हमने DPR तैयार कर रहे हैं, हर 15 पंचायतों को डेली मेरे साथ बैठक हो रही है उनके मेंबरों के साथ, अभी वहाँ पहुँचे ही कहाँ है, अभी तो शुरुआत ही हुई है आपकी हमारी। आखिरी सवाल यही है, जिन विकास कार्यों की लिस्ट आपने गिनाई है, जनता तक वो विकास कार्य पहुंच रहे हैं, जनता उस पर अपना फीडबैक देगी, ये कार्य जब आलाकमान तक पहुंचेंगे तो खुद को सत्य प्रकाश जरावता फिर कहाँ देखना चाहेंगे, उनके समर्थक उनको कहाँ देखना चाहेंगे? पूछते हैं कि भाई कोई काम रह गया बाकी, मुझे सब हो गई, अब मैं काम ढूंढ रहा हूँ, हर सरपंच मेंबरों से काम ले रहा हूँ कि भाई आपको क्या क्या काम चाहिए, 101 पंचायत है, उनका खाका आने वाले 10 दिन में तैयार हो जाएगा, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचूंगा कि ये 100 करोड़ के काम है जी, ये दे दो, फिर एक साल उन्हीं के पीछे लगा रहूंगा, क्योंकि कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं हमने। अपने लिए कुछ नहीं सोचा फिर? अपना, मैं एक गरीब परिवार जो, जो आपके समर्थकों की मंशा है, और मैं आज ब्लॉक चेयरमैन भी रहा, मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट रहा, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की देन के कारण, इलाके के आशीर्वाद से मैं आज विधायक तो पहुंच गया, इससे बड़ी मेरे लिए क्या होगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति आज विधायक तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो विजन तो रख ही रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जरावता को आप सुन रहे थे, पटौदी से विधायक हैं, बड़े स्पष्ट और साफ गोई तरीके से कहा है कि कुछ जगहों पर उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिनको संरक्षण मिला है, और जनता के कामों के लिए वो ऐसे लोगों से आगे भी लड़ते रहेंगे, और विकास कार्यों की जो रफ्तार है वो पटौदी में आगे चलती रहेगी। बहरहाल विकास कार्यों की रफ्तार जनता के दरवाजे तक किस स्पीड से पहुंचेगी और बदले में जनता इनको क्या देगी, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा और देखना दिलचस्प भी होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी अपना समय देने के लिए। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो MH1 एक्सप्रेस में फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, नमस्कार। चलिए सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने अपने तमाम विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को गिनाया, उम्मीद करते हैं कि जनता तक आपके तमाम विकास कार्य हमारे मंच के माध्यम से भी पहुंचेंगे। जी आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपने हमारे इलाके के बारे में पूरी जानकारी भी ली और पूरी जनता तक पहुँचाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।